नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्राचीन भारतीय इतिहास का गुप्त साम्राज्य से शुरू कर रहे हैं। तो हम गुप्त साम्राज्य पे पहला पार्ट आज जो लेक्चर लेके आए हैं ये हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो गुप्तकालीन इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या हैं? तो मेहरौली स्तंभ, यह स्तंभ चंद्रगुप्त से संबंधित है। तो मेहरौली में एक स्तंभ है, वो चंद्रगुप्त से संबंधित है। तो ये गुप्तकालीन इतिहास का एक स्रोत है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसमें यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखा है, तो ये समुद्रगुप्त है, मुद्रगुप्त नहीं है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी गुप्तकालीन इतिहास का एक स्रोत है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, इस अभिलेख में बताया गया है कि सौराष्ट्र झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के मंत्री परणदत्त ने करवाया था। एरण अभिलेख, मध्य प्रदेश का किस में मानगुप्त के समय का है, और इसमें कतर राजा गोपाल की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो ये गुप्तकालीन इतिहास के कुछ स्रोत थे। साहित्यिक स्रोत में है नाटक, तो बिसाखदत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, वात्स्यायन का कामसूत्र, कालिदास रचित मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकाव्यों में है कालिदास का कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतुसंहार। स्मृतियों में बृहस्पति स्मृति है, नारद स्मृति है। पुराणों में वायु पुराण, मृत्यु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण। जैन साहित्य में जिन जिन सेन रचित हर्ष हरिवंश पुराण, और विदेशी साहित्य में फाययान का काकोकी तथा वेनसांग का सीयूकी। तो ये साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें गुप्त काल के बारे में विवरण मिलता है। तो ये सारे जो एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पहला जो शासक था गुप्तों में वो था श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के अभिलेखों में महाराज श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष कहा गया है। तो ये महाराज श्रीगुप्त था जो, ये इसने गुप्तों का आदि पुरुष माना जाता है। इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिसे महाराजा की उपाधि दी गई थी, और महाराजा की उपाधि उस समय सामंतों को दी जाती थी, न कि एक स्वतंत्र राजा को। तो ये इससे ये पता चलता है कि जो श्रीगुप्त था वो किसी शासक के अधीन शासन कर रहा था, सामंत था। इत्सिंग के विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, उसने मतलब श्रीगुप्त ने निर्माण करवाया था, तथा मंदिर के खर्च के लिए उसने 24 ग्राम दान दिए थे। और जो ये इत्सिंग का विवरण है इस पे कहीं इतिहासकारों का कहना है कि ये श्रीगुप्त वहाँ पे सिर्फ गुप्तों की जाति लिखी गई है, और ये कंप्लीट क्लियर नहीं है कि वो शासक कौन था। वो चंद्रगुप्त भी हो सकता है, समुद्रगुप्त भी हो सकता है, क्योंकि जो श्रीगुप्त था वो एक सामंत था और वो इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकता है, ये कई इतिहासकारों का कहना है। लेकिन इत्सिंग के विवरण में जो लिखा गया है वो श्रीगुप्त है, और उसने मगध में एक मंदिर के निर्माण के लिए 24 ग्राम दान दिए थे। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बनता है, और घटोत्कच को ही ये कहा जाता है कि उसने एक स्वतंत्र रूप से पहली बार वो गुप्तों का पहला स्वतंत्र राजा था। स्कंदगुप्त के सुप्रिया के लेख रीवा मध्य प्रदेश में है, मैं भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। अतः इससे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से प्रारंभ हुआ। तो जो स्कंदगुप्त का सुप्रिया लेख है रीवा में है मध्य प्रदेश में, इससे ये इस लेख में ये दिखाई पड़ता है कि गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से शुरू होती है, और इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि घटोत्कच के समय से ही गुप्त वंश प्रारंभ हुआ था। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है, और इसको ही गुप्त वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। इसका शासन काल था 319 से 355 ईस्वी पूर्व, ईस्वी, ये ईस्वी के मतलब ईसा के जन्म के बाद की बात है, 319 से 355 ईस्वी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, और राजधानी पाटलिपुत्र में थी इसने इसकी। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसमें भी एक वो है कि कई लोग कहते हैं कि जो घटोत्कच था वो प्रथम स्वतंत्र शासक था, लेकिन महाराजाधिराज की उपाधि सिर्फ पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही स्वतंत्र राजा था।
और जब ये सत्तारूढ़ हुआ, सिंहासन पे सत्तारूढ़ होने के उपलक्ष्य में ही इसने गुप्त संवाद शुरू किया था, और इसकी पुष्टि अल्वरूनी के विवरण से भी होती है, जिसके शक संवत और गुप्त संवत के मध्य 241 वर्ष का अंतर बताया गया है। गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा इस शादी के उपलक्ष्य में इसने कुमार देवी सिक्के चलाए। तो इसने जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, लिच्छवी वैशाली लिच्छवियों का गढ़ था, तो इसने कुमार देवी से विवाह करके वैशाली को प्राप्त किया, और इसने कुमार देवी के सम्मान में, जिससे लिच्छवियों को खुश करने के लिए भी कह सकते हैं आप, कि इसने कुमार देवी नाम के सिक्के चलाए थे। इसकी शादी का महत्व तो इतना ज़्यादा था कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा, और इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपने शासनकाल में ही राजा घोषित कर दिया था। तो मतलब इसकी इस विवाह का इतनी इम्पोर्टेंस थी कि समुद्रगुप्त ने खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा था, और जो चंद्रगुप्त था इसने अपने पुत्र को अपने जीवित रहते ही राजा घोषित कर दिया था, और ये खुद सन्यासी हो गया था। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। मतलब चांदी के सिक्के सबसे पहली बार गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्य विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम बिहार एवं साकेत तक था। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके दक्षिण पश्चिम बिहार और साकेत तक इसका राज्य विस्तार था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनता है, और समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक राज्य चलाता है, और इसने व्याघ्र पराक्रमम धरहरि बंध और इसका मतलब होता था पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, और सर्व राज्यों राज्यों छेत्ता और भारत का नेपोलियन, ये इसको उपाधियां प्राप्त थी। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और मंत्री था। समुद्रगुप्त से पहले कांच नामक राजा के स्वर्णधारी सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वोच्च सर्व सर्वराजोच्छेत्ता अंकित है, परंतु यह उपाधि केवल गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को ही प्राप्त थी। तो जो समुद्रगुप्त से पहले भी कांचा नामक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो उसमें उपाधि लिखी गई है वो उपाधि सिर्फ समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। एलन के अनुसार कांचा समुद्रगुप्त का ही उपनाम था। कांच भी कहा है, कांचा भी कहा है, तो समुद्रगुप्त का ही उपनाम था एलन के अनुसार। समुद्रगुप्त की दिग्विजय को देखते हुए विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यभट्ट के 8 राजाओं को हराकर इसका उल्लेख अपनी प्रयाग प्रशस्ति की रावी पंक्ति में किया है। इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत गया और वहाँ के उसने 12 राज्यों के संघ को हराया, और इस संघ का नेतृत्व तो पल्लव नरेश गोप द्वारा किया गया था। और जो ये दक्षिण के राजा थे इनको हराने के बाद वापस इनको राज्य दे दिया गया था, सिर्फ इनको गुप्तों की अधीनता स्वीकार करनी थी। समुद्रगुप्त ने विजय नीति बनाई थी कुछ, तो उसमें आत्मनिवेदन था पहला। आत्मनिवेदन में था राजा स्वयं गुप्त शासकों की अधीनता स्वीकार करे बिना किसी लड़ाई के। कन्योपायन में था कि राजा अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त शासकों के साथ करे, ये दूसरा समझौते करने का तरीका था। तीसरा था गुरुत्वमंदक में था शासन चलाने के लिए गुप्त शासकों के शासनादेश प्राप्त करे, मतलब बिना गुप्तों की मर्जी के कोई बड़ा फैसला ना ले। अगला था ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह इसने दक्षिण के 12 राज्यों के साथ इस नीति का पालन किया था। इस नीति के तहत युद्ध में जब दक्षिण के राजा हार गए थे तो फिर से उनका राज्य उनको वापस दे दिया गया था। उनको सिर्फ गुप्त शासक समुद्रगुप्त की पैरवी करनी थी या समुद्रगुप्त का आदेश मानना था। सर्वकर दाना ज्ञान करण प्रमाण गमन उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों के लिए इस नीति का पालन किया गया था। गुप्त काल में प्रचलित सिक्के, गुप्त काल में जो सिक्के थे उनमें पहला है गरुड़ प्रकार के सिक्के, राजा की आकृति गरुड़ ध्वज उपाधि पराक्रम उत्कीर्ण था इस पे। दूसरा था धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, राजा की आकृति धनुष बाण उपाधि
अप्रमित परसु प्रकार के सिक्के, राजा की आकृति और परसु उपाधि उत्कीर्ण, आश्रम प्रकार के सिक्के, वीणा प्रकार के सिक्के और व्याग्रहणन प्रकार के सिक्के। तो ये इतने प्रकार के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। जो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम चंद्रगुप्त द्वितीय से आगे आखिर तक जो गुप्त स्कंद गुप्त हुआ वहाँ तक नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।